हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं गाइस। तो फाइनली एक और नया स्नेक पिक आ चुका है। तो बेसिकली स्नेक पिक में कुछ नहीं है, बैलेंसिंग चेंज है एंड इन सब में जितने भी बैलेंसिंग चेंज है उनमें से कुछ कुछ चीज़ें तो आप लोगों को मालूम होगी बिकॉज ऑलरेडी पहले फॉरम पे बता दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई क्लेन वॉर लीग के साथ साथ ही अक्टूबर अपडेट में हम लोग बैलेंसिंग चेंज भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है तो ट्रू। तो इसमें वॉल ब्रेकर में कॉस्ट रिड्यूस की गई है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1500 से 1250 फिर 2000 से 1500 ऐसे ऐसे लेवल 8 तक कम कर दिए और समझ लीजिए ना कि भाई बहुत कम की है। उसके बाद गोलेम में भी रिड्यूस कर दिए और बहुत ज़्यादा इतनी तो नहीं की बट अच्छी है की है। बिकॉज डार्क है, डार्क तो भाई 10 डार्क भी काम में आता है। ओके, बिकॉज डार्क फार्मिंग हार्ड होती है तो बहुत बचत होगी हमारी डार्क की। बेबी ड्रैगन के रिड्यूस हो चुकी है। बेसिकली मैं तो बेबी ड्रैगन फनल के लिए यूज़ करता हूँ तो इतना फ़र्क मेरे को पड़ेगा नहीं। वीच यूज़ करता हूँ हाँ, तो वीच की जो ये रिड्यूसिंग कॉस्ट है वो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर लेवल 1 की देख लीजिए 250 तो उनमें से कर दिए 175। उसके बाद लेवल 2 की 350 है उसके कर दिए 225। लेवल 3 की 450 है तो उसकी 275 की है और लेवल 4 की 550 है तो उसकी 325 की है। अब लेवल 1 HP उसका जो है HP है वो रिड्यूस फ्रॉम 320 से 300 कर दिया है। लेवल 2 में उसका DPS रिड्यूस कर दिया है 120 से 110 कर दिया है। उसका जो HP है लेवल 2 का वो रिड्यूस कर दिया है 360 से 320 कर दिया है। तो भाई इस बहुत फ़र्क किया है इन्होंने लेवल 1 एंड लेवल 2 में। बिकॉज टाउन ऑनलाइन में बहुत ही आप लोग बोलते थे ना कि भाई वीच स्लैब बहुत OP हो गया है तो बस उसके लिए ही ये रिड्यूस किया गया है। तो भाई अब थोड़ा बैलेंसिंग आएगा टाउन ऑनलाइन में। उसके बाद यहाँ पर आ रही है बॉलर भाई दिल खुश कर दिया। बॉलर का ये चीज़ किया ना, मज़ा आ गया। अब उनके पास मैक्स लेवल के बॉलर है और मैं हर एक अटैक में वही यूज़ करता हूँ, आपको पता ही है। अरे भाई साहब मज़ा आ गया। 170 अब तो 190 की जगह बट तो भी 20 कम है, कोई बात नहीं। और ये जेम डोनेशन कॉस्ट एडजस्ट की है तो ये तो आपको बताइए फॉरम पे आ गई थी। 25 की 15 की है, 30 की 20 की है और इंक्रेस जायंट की इंक्रेस कर दिया 2 से 3। ओके, उसके बाद अब सीज मशीन का रिड्यूस टाइम रिड्यूस कर दिया है जो हम लोग ट्रेनिंग पे लगाते हैं वो, तो अभी 20 मिनट होगा सभी लेवल पे। ओके, तो भी ये ज़्यादा ही है मेरे मुताबिक। 5 मिनट के आसपास करना चाहिए था इनको, तो भी ये मेरे मुताबिक ज़्यादा है। आप लोग मुझे बताना कि भाई 20 ज़्यादा है या फिर कम है। उसके बाद यहाँ पर देखो रिड्यूस सीज मशीन ट्रेनिंग कॉस्ट, तो ये 1 लाख कर दिए। चलो ये अच्छा है, आगे जाके एक डेढ़ लाख होती थी। डोनेशन सीज मशीन गिव 30 XP। भाई कितना खुश किया है पता है आपने सुपर सेल मेरे को, बिकॉज भाई एक एक एक्सपीरियंस मिलता था और मैं दिन की पता नहीं कितनी सारी सीज मशीन डोनेट कर देता था। कम से कम 200-300 XP तो मिलते ही नहीं थे, मतलब कि उतनी XP की मैं सीज मशीन डोनेट कर देता था। बट फाइनली अब 30 XP मिलेंगे भाई, मज़ा आएगा और 30 भी काउंट होगा डोनेशन। वाह मज़ा आ गया। अब बिल्डिंग में न्यू इन्फर्नो आएगा जो कि मैंने मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी डाल दिया था कि भाई एडिशनल इन्फर्नो टावर आने वाला है आज से कुछ घंटों पहले। एक्सबो का डैमेज पर सेकेंड एडजस्ट किया है लेवल थ्री से ही किया है, 80 से 70, 90 से 80, 110 से 100। ईगल आर्टरी में डैमेज पर हीट और शॉकवेव डैमेज वैल्यू हैज बीन एडजस्ट। लेवल 1 में जो हीट है हीट डैमेज तो वो 250 से 300 किया है। अरे बाप रे, और शॉकवेव डैमेज भी बढ़ा दिया। लेवल 2 में भी 50 बढ़ा दिए और लेवल 3 में भी 50 बढ़ा दिए और इस साइड भी 5-5 बढ़ा दिए। भाई साहब ईगल मज़ा आएगा भाई, अब ईगल डिफेंस में थोड़ा मजबूत रहेगी। उसके बाद हिट पॉइंट भी एडजस्ट किए है एयर डिफेंस के, तो देख लीजिए 1110 से 1100 किए है। और इसमें देख लीजिए 30 बढ़ा है, पहले 10 माइनस किए, उसके बाद 30 बढ़ा है, उसके बाद देखो 1230 है तो उसके 1300 की है तो ये 70 ऐड की है। और उसके बाद लेवल 10 में तो देख लीजिए 1290 से सीधा 1400, व्हाट द हेल। उसके बाद एयर बॉम्ब्स, तो ये रेड वंस मतलब कि रेड वाले, तो न्यू लेवल एड टाउन हॉल 12 में। वाह मज़ा आ गया। रिड्यूस एक्टिवेशन रिड्यूस फॉर 5 टाइल टू 4 टाइल। ओके, तो ये कम कर दिया है। उसके बाद बॉम्ब, तो न्यू लेवल एड टाउन हॉल 11 पे नया लेवल ऐड हो चुका है और जो उसका जो डिले था ना 2 सेकंड के बाद वो फूटता था वो 1.5 सेकंड हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तुरंत ही उसका एक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद रिसोर्सिस कलेक्टर, तो गोल्ड माइन न्यू लेवल एड एट 4 tier 10, तो ये भी मैंने फेसबुक पेज पे डाल दिया है। एलिक्सर कलेक्टर का भी मैंने डाल दिया था और डार्क एलिक्सर कलेक्टर का भी आ चुका है देख लीजिए यहाँ पे। सो ये चीज़ है। और वॉल्स नहीं ऐड हुई, अप टू 200 वॉल पीस कैन नाउ बी अपग्रेड टू लेवल 13।
प्रीवियसली 100 कोड भी अपग्रेड है, तो अभी 100 ऐड हो चुकी है, पहले 100 ही अपग्रेड हो सकती थी, 100 ऐड हो चुकी है। तो ये सारी बैलेंसिंग चेंज है, बहुत सारी बैलेंसिंग चेंज आई है और मुझे बैलेंसिंग चेंज में बहुत मजा आता है भाई लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है इंप्रूवमेंट। खास करके मेरे को ये सीज मशीन 30 एक्सपीरियंस वाला मेरे को इतना अच्छा लगा, सीज मशीन और बॉलर ये दोनों बैलेंसिंग चेंज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भी आप लोगों को कौन सी बैलेंसिंग चेंज अच्छी लगी है, इतनी सारी बैलेंसिंग चेंज है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिस मत करना, कोई भी कमेंट करना भूलना मत आए भाई लोग, मुझे बताना जरूर, बिकॉज बहुत लंबी बैलेंसिंग चेंज है इस बार। तो मुझे बताना कि भाई आपको कौन सी बैलेंसिंग चेंज इंप्रेस लगी, मतलब कि इंप्रेस किया हो आपको ओके उस बैलेंसिंग चेंज ने, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एंड अगर ये सब बैलेंसिंग चेंज में कोई एक बैलेंसिंग चेंज भी अच्छी लगी हो ओके, तो लाइक करना भूलना मत इस वीडियो को ओके, लाइक तो बनता ही है इस बैलेंसिंग चेंज के नाम पे। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट उसके बारे में वीडियो लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब के लिए अस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, द क्लैश ऑफ क्लैंस। Take a look.